दोस्तों, आज बात करते हैं सीट मेटल में मार्किंग टूल्स की। पहली वीडियो में हमने बात करी थी मेजरिंग टूल्स की, अब बात करते हैं हम इसमें मार्किंग टूल्स की। मार्किंग टूल्स कौन कौन से होते हैं? नंबर एक टिन मैंस स्क्वायर, ये फिगर दिखा रखा टिन मैंस स्क्वायर का। टिन मैंस एल स्क्वायर इज एन एल शेप्ड पीस ऑफ हार्डेंड स्टील विद ग्रेजुएशन मार्क्स ऑन द एज ऑफ द टंग एंड बॉडी ऑफ ब्लेड। ब्लेड की बॉडी पर और टंग पर जो है ग्रेजुएशन मार्क्स होते हैं, ये एल शेप्स में होता है। इट इज यूज फॉर मार्किंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू एनी बेस लाइन एंड टू चेक द परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी को चेक करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। द शॉर्ट आर्म ऑफ द एल स्क्वायर इज कॉल्ड द टंग, जो इसकी छोटी आर्म्स होती है उसको टंग बोलते हैं। एंड द लॉन्ग आर्म इज कॉल्ड द बॉडी, और जो लॉन्ग आर्म होती है उसको बॉडी बोलते हैं, और ब्लेड ही बोलते हैं। एंड द कॉर्नर इज कॉल्ड द हील, और जो इसका कॉर्नर होता है उसको हील बोलते हैं। द एंगल बिटवीन द टंग एंड द बॉडी ऑफ द एल स्क्वायर इज 90 डिग्री। एल स्क्वायर और टंग जो होती है इसके साथ जो बॉडी के साथ जो इसका एंगल होता है 90 डिग्री होता है। द साइज ऑफ द एल स्क्वायर इज स्पेसिफाइड बाई द लेंथ ऑफ द बॉडी, इसका जो साइज नापते हैं वो बॉडी की लेंथ के अकॉर्डिंग नापते हैं। एंड द टंग या टंग के अनुसार इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टिन मैंस स्क्वायर, इसको हम टिन मैंस स्क्वायर भी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है स्क्राइबर्स। इन लेआउट वर्क इट इज नेसेसरी टू स्क्राइब लाइंस इंडिकेट द डायमेंशंस ऑफ द वर्क पीस टू बी कट ऑन फोल्डेड और फोल्डेड, मतलब जिस सीट को जहां से मोड़ना है, जिस डायमेंशन से वर्क पीस को काटना है मोड़ना है, तो वहां पर हम जो स्क्राइबर की सहायता से उस पर लाइनें ड्रॉ करते हैं। इट इज मेड आउट ऑफ हाई कार्बन स्टील, ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अबाउट 3 to 5 mm डाया, जो इनका डाया होता है 3 से 5 mm होता है। फॉर ड्रॉइंग क्लियर लाइन्स ऑन सीट मेटल, सीट मेटल पर क्लियर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग पॉइंट इज ग्राउंड एट वन एंड एंगल ऑफ 10 degree to 20 degree। एक कॉर्नर पर इसका जो वर्किंग पॉइंट होता है वो ग्राउंड किया होता है 10 से 20 degree एंगल पर। स्क्राइबर वर्किंग पॉइंट इज हार्डेंड एंड टेम्पर्ड, जो इसका वर्किंग पॉइंट होता है उसको हार्डेंड एंड टेम्पर्ड कर देते हैं। स्क्राइबर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस, ये अलग अलग प्रकार के साइज और टाइप्स में पाए जाते हैं। नंबर एक स्ट्रेट एज स्क्राइबर, दूसरा बैंड स्क्राइबर, और तीसरा आपका स्क्रैच ऑल। ये जो आपको फिगर दिखा रखे हैं तीनों फिगर दोस्तों, पहले वाला आपका इसमें स्ट्रेट स्क्राइबर है, दूसरा बैंड है, और तीसरा आपका स्क्रैच है। स्क्राइबर पॉइंट्स आर वेरी शार्प, जो इनके पॉइंट होते हैं बहुत तेज होते हैं। एंड दे आर टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली, इसलिए इनका सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। डू नॉट पुट द स्क्राइबर इन योर पॉकेट, कभी भी अपनी जेब में स्क्राइबर को नहीं रखना चाहिए। प्लेस ए कॉर्क ऑन द पॉइंट व्हेन नॉट इन यूज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को रोकने के लिए इसके जो पॉइंट होता है उस पर हमको एक कॉर्क लगा लेनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पंचिज की। पंचिज आर यूज इन ऑर्डर टू मेक सर्टेन डायमेंशनल फीचर्स ऑफ द लेआउट पैरामीटर्स परमानेंट, पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लेआउट के परमानेंट के लिए जो मार्किंग करने के लिए हम पंचिज के इस्तेमाल करते हैं। दे आर 3 types ऑफ पंचिज, दीज आर, ये 3 types के होते हैं, बेसिकली 2 types के होते हैं। एक होता है सेंटर पंच, दूसरा होता है प्रिक पंच या डॉट पंच। तो सेंटर पंच कौन से होते हैं? द एंगल ऑफ द पॉइंट इज 90 degree, ये दोस्तों 90 degree है, ये 900 नहीं है, 90 degree इन ए सेंटर पंच। द पंच मार्क मेड बाई दिस इज वाइडली एंड नॉट वेरी डीप, जो से जो पंच मार्क्स होते हैं वो काफी वाइड होते हैं और जो गहरे नहीं होते हैं। दिस पंच इज यूज फॉर लोकेटिंग होल्स, ये होल्स को लोकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। द वाइड पंच मार्क गिव्स ए गुड सीटिंग फॉर स्टार्टिंग द ड्रिल, स्टार्टिंग की सेटिंग के लिए जो है ये बहुत अच्छे मार्क्स देता है। नेक्स्ट है प्रिक पंच या डॉट पंच। द एंगल ऑफ द प्रिक पंच इज 30 degree to 60 degree, इसका जो एंगल होता है तो 30 degree होता है या 60 degree होता है। द 30 degree पॉइंट पंच इज यूज फॉर मेकिंग लेंथ लाइट पंच मार्क, लाइट पंच मार्क्स के लिए 30 degree वाले का इस्तेमाल करते हैं। नीडेड टू पोजिशन डिवाइडर्स, जहां जब पोजिशन डिवाइडर्स की जरूरत पड़ती है, द डिवाइडर पॉइंट विल गेट ए प्रॉपर सीटिंग इन द पंच मार्क, जो पंच मार्क्स होता है वहां डिवाइडर फिट बैठ जाता है। द 60 degree पंच इज यूज फॉर मार्किंग विटनेस मार्क्स एंड कॉल्ड एज डॉट पंच, ये विटनेस मार्क्स का इसलिए इस्तेमाल करते हैं और इसको डॉट पंच भी बोलते हैं। ये पंच के टाइप दिखा रखे हैं दोस्तों, सॉलिड पंच है, सेंटर पंच है, होलो पंच है, डॉट पंच है और प्रिक पंच है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ट्राई स्क्वायर की। द ट्राई स्क्वायर इज ए प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट है, विच इज यूज टू चेक द
स्क्वेयरनेस ऑफ ए सरफेस एंड द फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वेयरनेस को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बाय ए ट्राई स्क्वेयर इज अबाउट 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। एक लेंथ 10 mm की लेंथ के अंदर 0.002 mm की जो है इसके अंदर मेजरमेंट की एक्यूरेसी होती है, विच इज एक्यूरेट एनफ फॉर मोस्ट वर्कशॉप पर्पज, वर्कशॉप के अधिकतर उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। द ट्राई स्क्वेयर हैज ए ब्लेड विद पैरेलल सरफेस, पैरेलल सरफेस के साथ इसका ब्लेड होता है। दिस ब्लेड इज फिक्स्ड टू द स्टॉक एट 90 डिग्री, और जो इसका जो स्टॉक के साथ जुड़ा होता है 90 डिग्री पर होता है। 900 नहीं दोस्तों, 90 डिग्री पर ध्यान रखना। बर्सलॉट इज प्रोवाइडेड, बर्सलॉट दिए होते हैं ऑन द स्टॉक एट मीटिंग पॉइंट ऑफ ब्लेड टू अकोमोडेट द बर, ताकि जो बर जो है वहां से अकोमोडेट इकट्ठा होता रहे। इट प्रेजेंट ऑन द कंपोनेंट टू अवॉइड इनएक्यूरेसी इन मेजरिंग स्क्वेयरनेस, द ट्राई स्क्वेयर इज यूज टू चेक द स्क्वेयरनेस ऑफ ए सीट, स्क्वेयरनेस और फ्लैटनेस चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ट्राई स्क्वेयर का इस्तेमाल करते हैं। उसका फिगर दिखा रखा था। नेक्स्ट है विंग कंपास, विंग कंपास यूज फॉर स्क्राइबिंग सर्कल्स, सर्कल्स को स्क्राइबिंग करने के लिए, आर्क्स वगैरह के लिए, एंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंसेज, डिस्टेंसेज को ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कंपासेज आर अवेलेबल विद फर्म जॉइंट कंपास होते हैं, विंग कंपास होते हैं, स्प्रिंग जॉइंट कंपास होते हैं, और बीम कंपास या ट्रेबल। द मेजरमेंट आर सेट ऑन द विंग कंपास, विंग कंपास में सबसे पहले मेजरमेंट को सेट कर लेते हैं विद स्टील रूल, एक स्टील रूल की सहायता से। द साइजेज ऑफ ए विंग कंपास रेंजेज बिटवीन 50 mm to 200 mm, जो इसका साइज होता है वो 50 mm से लेकर के 200 mm तक होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द रिविट, जो इसकी रिविट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है पॉइंट से, द साइज ऑफ द विंग कंपास, उसी को विंग कंपास का साइज बोलते हैं। पहले वाला फिगर विंग कंपास है दोस्तों, दूसरा डिवाइडर फ्रॉम जॉइंट्स है, और तीसरा डिवाइडर स्क्वायर टाइप्स है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें दोस्तों ट्रेमल की। द बीम कंपास और ट्रेमल इज यूज टू स्क्राइब ए सर्कल ऑन एन और एन आर्क विद ए लार्ज डायमीटर विच कैन नॉट बी स्क्राइब्ड बाय ए विंग कंपास, जो लार्ज आर्क या सर्कल्स विंग कंपास की सहायता से नहीं बना सकते, ड्रॉ नहीं की जा सकते, उनको हम ट्रेमल की सहायता से ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है जेनी कैलीपर, जेनी कैलीपर हैव वन लेग विद एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट, इसके अंदर एक लेग जो होती है एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट के साथ होती है, वाइल द अदर इज ए बेंट लेग, दूसरी क्या होती है एक बेंट लेग होती है। दीज आर अवेलेबल इन साइज ऑफ 150 mm, 200 mm, 250 mm एंड 300 mm, ये जो होते हैं 150 mm, 200 mm, 250 mm और 300 mm के साइज में पाए जाते हैं। जेनी कैलीपर्स आर यूज, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है, फॉर मेकिंग लाइंस पैरेलल टू द इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस, आउटसाइड और इनसाइड एजेस के पैरेलल लाइन खींचने के लिए, फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ राउंड बार्स, राउंड बार का सेंटर पता करने के लिए। नीचे जेनी कैलीपर का फिगर दिखा रखा है किस तरीके से डायमेंशन लेते हैं। द कैलीपर्स आर अवेलेबल विद द यूजुअल बेंट लेग और विद हील, इनके अंदर हील या बेंट लेग होती है। कैलीपर्स विद बेंट लेग आर यूज फॉर ड्रॉइंग लाइन्स, जो बेंट लेग के साथ होते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं अलोंग एंड इनसाइड एज, इनसाइड एज के साथ। एंड द हील टाइप इज यूज फॉर ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस अलोंग द अदर एजेस, और दूसरी जो लाइन होती है उसकी अदर एजेस के साथ जो है लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द अदर नेम्स ऑफ दिस कैलीपर आर हर्मा फेरोडाइट कैलीपर से बोलते हैं, लेग एंड पॉइंट कैलीपर भी बोलते हैं, ऑड लेग कैलीपर भी बोलते हैं। इसके तीनों नाम अलग अलग है दोस्तों, किसी भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है और क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सरफेस प्लेट, व्हेन एक्यूरेट डाइमेंशनल फीचर्स आर टू बी मार्क्ड, जब एक्यूरेट डाइमेंशन के हिसाब से मार्किंग करते हैं, इट इज एसेंशियल टू हैव ए डेटम प्लेन विद ए परफेक्टली फ्लैट सरफेस, इसलिए जो उसका हम डेटम मांग रहे हैं परफेक्टली फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। मार्किंग यूजिंग डेटम सर्फेसिस विच आर नॉट परफेक्टली फ्लैट विल रिजल्ट इन डायमेंशनल इनएक्यूरेसीज, और जिनकी जो सरफेस फ्लैट नहीं होती डायमेंशनिंग के नापते समय तो उसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं आती है। द मोस्ट वाइडली यूज डेटम सर्फेसिस इन मशीन ऑफ वर्क आर द सरफेस प्लेट एंड मार्किंग प्लेट, सो इस पर्पज के लिए जो हम मशीन ऑफ का इस्तेमाल जो करते हैं वर्क के लिए, और सर्फेस प्लेट का या मार्किंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। सर्फेस प्लेट्स आर जनरली मेड ऑफ गुड क्वालिटी कास्ट आयरन, सरफेस प्लेट जो होती हैं वो अच्छी क्वालिटी की कास्ट आयरन की बनी होती हैं, विच आर स्ट्रेस रिलीव टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन को रोकने के लिए वो स्ट्रेस रिलीव होती हैं दोस्तों। ये आपकी जो है सरफेस प्लेट का फिगर दिखा रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों मार्किंग टेबल, ये मार्किंग टेबल या मार्किंग ऑफ टेबल इज यूज एज ए रेफरेंस सरफेस फॉर मार्किंग ऑन वर्क पीस,
वर्क पीस पर रेफरेंस सरफेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मार्किंग टेबल आर ऑफ रिजिड कंस्ट्रक्शन, ये दृढ़ होती हैं। विद एक्यूरेटली फिनिश टॉप सर्फेस, और जो इसकी जो टॉप सर्फेस होती है वो एक्यूरेटली फिनिश्ड होती है। द एजेस आर ऑल्सो फिनिश्ड एट राइट एंगल्स टू द टॉप सर्फेस, टॉप सर्फेस के हिसाब से इसकी जो एजेस होती हैं वो राइट एंगल पर होती हैं। मार्किंग टेबल्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन या ग्रेनाइट, ये कास्ट आयरन या ग्रेनाइट की बनी होती हैं। एंड आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस, और अलग अलग साइजेस में पाई जाती हैं। दीज टेबल्स आर ऑल्सो यूज फॉर सेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड फॉर चेकिंग साइजेस, साइजेस को चेक करने के लिए, और पैरेललिज्म एंड एंगल्स, एंगल्स और पैरेललिज्म को चेक करने के लिए। ये दोस्तों मार्किंग टेबल दिखा रखी है, और उसके ऊपर किस तरीके से मार्किंग करते हैं ऑब्जेक्ट पर ये दिखा रखा है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।